राधे, मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी फैमिली मेंबर्स का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज मैं जो आप लोगों के लिए अद्भुत प्रयोग लेकर के आया हूँ, इस प्रयोग से आप जितने भी रुके हुए काम थे सारे रुके हुए काम बन जाएंगे, सारे रुके हुए काम बन जाएंगे। जितने भी काम थे जो परसों के रुके हुए थे, आपके मन चाहे काम थे, आप सोच रहे थे काश ये काम हो जाता है, मेरा इतना बड़ा काम ये हो जाता, इतने सालों से पेंडिंग है नहीं हो पा रहा, किसी भी प्रकार का काम, चाहे धन से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, मुकदमे से संबंधित हो, शादी से संबंधित हो, कैरियर से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, जिस भी प्रकार का आपका वर्षों से पुराना रुका हुआ काम है, आपकी कोई इच्छा है जो पूर्ति नहीं हो पा रही है, आज के इस अद्भुत उपाय से आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी और आपका जो भी रुका हुआ काम है सारा रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। और मैंने बार बार आप लोगों से बोला कि आपको धैर्य रखना है, बिल्कुल धैर्य रखिए और कर्म करते रहिए। कर्म करने के लिए मैंने कभी मना नहीं किया, क्योंकि कर्मण्ये बाधकारस्ते, बिना कर्म के व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होता। कर्म के साथ साथ आपको उपाय करना है, कर्म छोड़कर उपाय नहीं करना है, कर्म के साथ उपाय करना है, तब लाभकारी होता है, ये ध्यान रखिए। और हमेशा चकाचक रहिए, मैंने बार बार बोला है, उदास मत होइए, निराश मत होइए, हताश मत होइए। और बहुत से लोग मेरे पास डेली कॉल करते हैं, महाराज इतना कर्जा हो गया, मैं सुसाइड कर लूं, इतना हो गया। बार बार समझाता हूं, सुसाइड का तो सोचिए भी मत, सुसाइड के बारे में, आत्महत्या के बारे में सोचना भी सबसे बड़ा पाप है। मैंने आपको बार बार बताया है कि पतझड़ के बाद दिन आते हैं, बाहर के और जीना क्या, जीवन से हार के नहीं जिया जाता। अरे आप हैं तो सब कुछ है, अम ब्रह्मास्मि, आप ब्रह्म है, आपके अंदर एक ब्रह्म विराजमान है। अपने ब्रह्म को जगाइए, अपने तेज को जगाइए और कर्मशील बनिए और भगवान से अपने आप को जोड़े रहिए, देखिए सब कुछ हो जाएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इन योर हैंड, सब कुछ आपके हाथ में है, बस करना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कर्म करिए, सब कुछ हो सकता है। यदि आए आपके जीवन में अंधकार है तो कल उजाला आएगा, सूर्य चमकेंगे और आप भी सूर्य की तरह इस संसार में चमकेंगे, समाज में चमकेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, निश्चिंत रहिए। मैंने बार बार बोला है, यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, किसी भी प्रकार की तकलीफ आ रही है, तो उसके लिए आप अपनी कुंडली दिखवाइए, कुंडली में स्थित जो ग्रह हैं, जो दोष हैं, उनके कारण ही आपके जीवन में तकलीफें आती हैं, इसलिए अपनी कुंडली दिखाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कुंडली दिखाने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम और अपना नाम आप मुझे व्हाट्सअप करिए। छोटी सी सेवा राशि रख लीजिए, सेवा राशि जमा करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, पर मैं स्वयं आपको कॉल करूंगा, सब कुछ आपको बताऊंगा, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों दिक्कत आ रही है, कैसे दिक्कत जाएगी, छोटे छोटे घरेलू उपाय बताता हूं। और जो मैं यंत्रों की पूजा और मंत्रों का जाप बताता हूं, वो यदि आपने कर लिया तो समझिए आप राजाओं की तरह जिएंगे। डेली 10 मिनट देना है यंत्रों की पूजा, मंत्रों का जाप, राजाओं की तरह जिएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और मेरा नया चैनल एक फिर आ गया है YouTube पर, अभी नया ही नहीं लॉन्च हुआ है, 2-4 दिन पहले, आचार्य प्रसून शॉर्ट्स, सुन लीजिए, आचार्य प्रसून शॉर्ट्स, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो जितने भी फैमिली मेंबर्स मुझे देख रहे हैं उस चैनल को तुरंत जाइए, तुरंत सब्सक्राइब करिए, जितने मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे सब्सक्राइब करिए आचार्य प्रसून कौशल के नाम से, फेसबुक में भी आचार्य प्रसून कौशल के नाम से आप सब्सक्राइब करिए, पर डिस्क्रिप्शन में जाकर के तुरंत आचार्य प्रसून शॉर्ट्स के नाम से चैनल आप सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। अब देखिए आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सोमवार की रात्रि को 12 से 4 के बीच में आपको उपाय करना है, सोमवार की रात्रि को 12 से 4 के बीच में आपको उपाय करना है। करना क्या है, आपको लेनी है एक मुट्ठी काले तिल ले लीजिए, कोई पात्र हो, उत्तर दिशा की तरफ पात्र को रख दीजिए, पात्र के ऊपर एक मुट्ठी काले तिल आपको रख देने हैं। रखने के बाद एक चम्मच घी आपको तिल के ऊपर डालते हुए प्रार्थना करनी है प्रभु से, हे प्रभु जितने मेरे रुके हुए काम है, जितने भी काम है जो नहीं हो पा रहे हैं, जिनमें दिक्कतें आ रही हैं, आप मेरे सारे काम बनवा दीजिए, ऐसे ही लगातार मैं 7 दिन तक आपके ऊपर एक चम्मच घी डालूंगा, आपको प्रार्थना करनी है, आपको कर देना है, एक चम्मच आप घी डाल दीजिए, भर के पूरा तिल के ऊपर, तिल की ढेरी टाइप बना देनी है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, लगातार जैसे आपने सोमवार की 12 से 4 के बीच में डाल दी सोमवार की रात्रि को, और अगले दिन से लगातार 7 दिन तक आपको उसके ऊपर एक चम्मच घी डालते रहना, सुबह हर डेली सुबह आपको डालना, फिर रात में नहीं डालना है, फिर जैसे मंगलवार की सुबह डाल दिया नहाने के बाद, फिर बुधवार की सुबह डाल दिया, ऐसा आपको 7 दिन तक लगातार डालना और प्रार्थना करनी, प्रभु मेरा जो काम रुका हुआ वो सारा काम बन जाए। आप देखेंगे 7 दिन तक घी डालते डालते आपके सारे काम बनने लग जाएंगे, सारे रुके हुए काम बनने लग जाएंगे और आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। अपनी कुंडली सबसे पहले आप लोग अवश्य दिखाइए, बिना उसके काम नहीं होगा, क्योंकि जब तक ग्रहों का उपाय नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ हैं, आप सभी लोग खुश रहें, आनंद में रहें, राधे राधे।